नरोत्तम मिश्रा ने पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग के फैसले को लेकर सफाई देते हुए कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये 2008 का मामला है, मुझ पर ये आरोप लगाया मेरे हारे हुए प्रत्याशी ने कि मैंने मीडिया को पैसे देके समाचार छपाए खरीदा है। न तो चुनाव आयोग के निर्णय में ऐसा कुछ आया है, न तो कोई सबूत आया है और न फरियादी ने कोई सबूत आज तक दे पाया है कि मैंने मीडिया को पैसे दिए या मीडिया ने मुझसे पैसे लिए। वहीं दूसरी ओर मामले में शिकायतकर्ता और पूर्व कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए नरोत्तम मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। नरोत्तम मिश्रा करेक्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज को एडॉप्ट करने के हैबिचुअल उनकी आदत है। बता दें कि पूर्व कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगाया था और धारा 10A के तहत चुनाव आयोग से मिश्रा की शिकायत की थी, जिसके बाद शुक्रवार को चुनाव आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज छपवाने और करप्ट सर्विसेज का दोषी मानकर 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। जो धारा है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की सेक्शन 10A, उसमें उनको उस धारा के अंतर्गत दोषी पाया गया है और उसी के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दतिया जिले की जनता मुख्यमंत्री जी से और महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करती है कि यदि नरोत्तम मिश्रा मंत्री पद से इस्तीफा ना दें तो उनको बर्खास्त किया जाए। न्यूज बुंदेलखंड के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।